और जब मैंने इसको चलाना शुरू किया तब मैंने ऐसे देखा यहाँ पे बटन दबा के कि यह CNG पर ही है या पेट्रोल पर है, और दोबारा चेक किया ऐसे दबा के, तो उन लोगों को जो एवरेज कार बायर्स हैं आपके घर में, इतना कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी इस गाड़ी के साथ। वेल, ये टाटा एल्ट्रॉज और ये पर्टिकुलर वर्जन है ICNG वर्जन जो हम आज आपके लिए लाए हैं। अब ये जो गाड़ी है, टाटा मोटर्स इससे उम्मीद कर रहा है कि CNG सेल्स जो कि पिछले 3 साल में 35% बढ़ी है भारतीय बाजार में, वो थोड़ा बहुत इस गाड़ी की तरफ भी आएंगी और टाटा एल्ट्रॉज की सेल्स को पूरी तरह उठा देंगी। अब इस गाड़ी में नया क्या है, फ़र्क क्या है? वेल, सबसे अच्छी बात इसमें है कि आपको इसके अंदर मिलता है ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी, यानी कि इस गाड़ी का जो CNG का टैंक है, जो CNG के सिलेंडर हैं, वो एक बड़े सिलेंडर की जगह 2 सिलेंडर दे रखे हैं उन्होंने, जिससे कि जो कि इसकी डिक्की है, जो बूट है, उसमें स्पेस बन जाता है, आप अपने बैग्स वगैरह रख सकते हैं। आमतौर पर ये बड़ी प्रॉब्लम होती है CNG गाड़ियों के अंदर कि डिक्की का स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, मुश्किल से एक बैग फिट आता है, लेकिन इस गाड़ी में आप वाकई 2 बड़े बैग या 3 मीडियम साइज़ बैग रख सकते हैं। अब आप कहेंगे अगर आप बैग रख सकते हैं तो फिर स्पेयर व्हील कहाँ पे? वेल, स्पेयर व्हील जो है वो नीचे की तरफ लगा रखा है, वो सब अभी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इस गाड़ी के लुक्स की बात करना चाहता हूँ। ये जो गाड़ी है, इसको भारतीय बाज़ार में आए हुए अब करीब करीब 3-3.5 साल हो गए, लेकिन अभी भी ये गाड़ी बहुत ही एनर्जेटिक, डायनामिक और यूथफुल लगती है। अगर हम बात करते हैं फेस की, तो जो रैपर अराउंड लैम्प्स हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं। जो ये ऊपर ब्लैक इन्होंने पट्टी लगा रखी है क्रोम के साथ, ये बड़ा ही क्लासिक लुक देती है। और साथ ही साथ अगर साइड प्रोफाइल देखेंगे तो बड़ा ही बैलेंस्ड और बड़ा ही एलिगेंट सिलुएट, और पीछे से तो क्या बात करें, इस गाड़ी की बहुत ही स्पोर्टी और डायनामिक लुक है। मेरे हिसाब से इस सेगमेंट की सबसे बेस्ट लुकिंग गाड़ी, सबसे वेल बैलेंस लुकिंग गाड़ी है। और अगर हम बात करते हैं 10 से 12 लाख मैक्सिमम बजट की, उसमें भी आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग, नॉट द बेस्ट बट डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग कार्स एट दैट प्राइस पॉइंट। अब इस गाड़ी का जो दाम है वो शुरू होता है 7.5 लाख रुपये से एक शोरूम रफली, और जाता है सबसे जो टॉप ऑफ द लाइन बजट ये वाला है 10.5 लाख रुपये एक शोरूम। तो प्राइस रेंज काफ़ी अच्छी है, सारे ऑप्शंस हैं, और इस गाड़ी में आपको सनरूफ मिलता है, वायरलेस चार्जर मिलता है, और साथ ही साथ आपको इसके अंदर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं, और बहुत सारे और भी सारे फीचर्स मिलते हैं जो अंदर चल के हम आपको बताएंगे। मेरा नाम है आशीष मसी, अगर इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को वीडियो भेजिए। अगर वो टाटा एल्ट्रॉज लेना चाहते हैं या वो कोई भी CNG गाड़ी देख रहे हैं तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर भेज सकते हैं। हम आपको डिक्की दिखाते हैं, पीछे दिखाते हैं कि सिलेंडर का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद कुछ इंटीरियर दिखाएंगे, फिर गाड़ी चला के आपको बताएंगे गाड़ी चलाने में कैसी है। इस वीडियो को लाइक किए बगैर लेकिन प्लीज़ मत जाना। वेल, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाड़ी की जो डिक्की है, और हम इससे स्टार्ट करते हैं इस रिव्यू को। अगर हम बात करते हैं इसके ओवरऑल कैपेसिटी की, तो ऑफिशियल फिगर्स अभी हमें नहीं दिए टाटा मोटर्स ने, लेकिन मेरे हिसाब से फिगर्स की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद ही देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। एक हमने बड़ा बैग रखा है यहाँ पे, इसको बड़ा ही कहेंगे, मीडियम साइज़ कहेंगे, आप खुद डिसाइड कर लीजिए। ये बैग आराम से आ गया यहाँ पे, और इसके साथ ही एक और ऐसा ही साइज़ का बैग आ सकता है, लेकिन हमने दिखाने के लिए आपको एक मीडियम साइज़ का एक कैरी बैग रखा है यहाँ पे, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा, और इसके बाद आप डिक्की आराम से बंद कर सकते हैं। तो स्पेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस गाड़ी को लेकर आप पहाड़ों पर निकलना चाहते हैं अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ, तो उनका सामान आराम से इस गाड़ी में एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो ये भी हटा सकते हैं, थोड़ा बहुत सामान ऊपर भी आ जाएगा यहाँ पे, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। दैट्स अगेन शोइंग हाउ थॉटफुल टाटा मोटर्स हैव यूज़ यू नो दैट ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी। अभी इसको हटाते हैं सामान को, और फिर ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी दिखाते हैं, और उसके बाद दिखाते हैं कि स्पेयर व्हील नीचे है, नीचे लगा रखा है, उसे निकालने का तरीका एग्जैक्टली क्या है। बूट को और ओवरऑल इस यू नो डिज़ाइन को जो दिमाग लगाया अच्छे से, उसको मैं दूंगा एक अच्छा स्कोर, 9 का 10 में से। वेल, चलिए आपको अब दिखा देते हैं कि मैकेनिज्म क्या है। ये 2 सिलेंडर तो आप देख ही सकते हैं जो रखे हुए हैं, ये फुली अटैच है, सर बहुत सेफली और सिक्योर तरीके से टाटा मोटर्स ने इसको लगाया है, तो बहुत ही सेफ गाड़ी है ये। अब एक बार आपको दिखाते हैं कि टायर अगर पंक्चर है तो क्या करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि अरे बाप रे, अगर टायर पंक्चर हो गया तो मुझे कसरत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर टायर आपका पंक्चर हो गया तो यहाँ पे सेटअप कीजिए, यहाँ पे एक छोटा सा नट लगा रखा है, और उसको फिर ऐसे करके यहाँ से खोलिए, ऐसे घुमाइए, और जब इसे आप घुमाएंगे तो आप नीचे देख सकते हैं, नीचे की तरफ से फ्लोर की साइड से टायर नीचे नीचे को आ जाएगा, लोअर हो जाएगा, और इसको फिर आप चेन से निकाल के, आप एक चेन सिस्टम दे रखा है, उससे निकाल के एक्सचेंज कर सकते हैं जो फ्लैट टायर है उसके साथ, और उस वाले फ्लैट टायर को वापस डाल सकते हैं। सो इट्स अ वेरी इनोवेटिव वे, और ये काफ़ी सारी पुराने ज़माने की SUVs में तरीका आता है। पुरानी कुछ SUVs जो होती नहीं, नाम नहीं लूँगा कौन सी, आप नहीं चले सकते अगर आप जानते हैं, तो उनमें ये सिस्टम यूज़ होता था कि टायर नहीं चलेगा। इनफैक्ट इनोवा में अभी भी यही सिस्टम आता है टायर चेंज करने का, स्पेयर व्हील नीचे लगा रखा है उन्होंने भी अपनी गाड़ी के। एनीवेज, इसको वापस लगाते हैं तो, और फिर गाड़ी चला के आपको बताते हैं कि चलाने में असली इस गाड़ी का दम है, पता चलेगा कि क्या CNG पे वाकई कुछ फ़र्क है परफॉर्मेंस, या एग्जैक्टली सेम है लाइक इट इज़ ऑन
द पेट्रोल पंप। Budmo.com क्या है? Well, अब तक तो आप जानते होंगे that Budmo are the online expert when it comes to spare parts, और इनके पास सारी गाड़ियों के spare parts available हैं, चाहे गाड़ी बनती हो या बननी बंद भी हुई हो, तो spare part आपको मिल जाएंगे अपनी गाड़ी के लिए। और एक और बात जो अच्छी है वो ये है कि सेम spare part available है different component maker से, यानी कि flexibility मिल जाती है आपको pricing को लेकर। इनके latest offers को जानने के लिए आप जाइए इनकी वेबसाइट पर, या अगर आप वेबसाइट पर नहीं जाना चाहते, फ़ोन से डाउनलोड करना चाहते हैं ऐप, तो iOS device और Android device दोनों के लिए available है। वेल दोस्तों, अब मैं चला रहा हूँ टाटा एल्ट्रोस की ICNG, और ये जो गाड़ी है ये CNG पर भी स्टार्ट हो जाती है। और जब मैंने इसको चलाना शुरू किया तब मैंने ऐसे देखा यहाँ पे बटन दबा के कि ये CNG पर ही है या पेट्रोल पर है, दोबारा चेक किया ऐसे दबा के, और वाकई ये CNG पर ही चल रही थी, क्योंकि परफॉर्मेंस इस गाड़ी की इतनी बेहतरीन है कि आपको लगेगा कि पेट्रोल गाड़ी चला रही है। CNG का जो नॉर्मली और गाड़ियों में परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाता है थोड़ा सा, ऐसा कोई विजिबल ड्रॉप मुझे नहीं लग रहा है। तो रियली इट्स अ वेरी वेल इंजीनियर्ड कार एज वेल, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स दी CNG टैंक, द परफॉर्मेंस ऑल्सो इज क्वाइट गुड। और ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं CNG वर्जन पे इस गाड़ी को चला रहा हूँ। तो टाटा मोटर्स के इंजीनियर ने बहुत अच्छा काम किया इस गाड़ी पर, डबल थम्स अप उनको, और ड्राइविंग डिपार्टमेंट ने अच्छा स्कोर देना चाहिए इस गाड़ी को, 88 का 100 में से। अब उसके अलावा तो सारी की सारी बातें वही हैं जो हम एल्ट्रोस में आती हैं। राइड कम्फर्ट काफ़ी अच्छा है, अगर आप हाईवे पर गाड़ी को काफ़ी ले आते हैं तो रॉक सॉलिड ये गाड़ी महसूस होती है। स्टेबिलिटी गाड़ी काफ़ी अच्छी है, और अगर शहर में चलाते हैं तो देखिए जो रमल स्ट्रिप्स आते हैं, छोटे मोटे गड्ढे आते हैं, टाटा मोटर्स की गाड़ी उनके ऊपर से ऐसे निकल जाती है जैसे कि बॉस हो बिल्कुल, उन गड्ढों से, उन रमल स्ट्रिप्स से, उन यू नो एक्सपेंशन जॉइंट से इस गाड़ी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कंफर्टेबली बैठे रहेंगे गाड़ी में, कोई भी झटका आपको महसूस नहीं होगा। हाँ, जो बहुत ही ज़्यादा डीप गड्ढे होते हैं, जो सड़कें जल्दबाजी बनाई होती हैं, बदतमीज़ तरीके से बनाई होती हैं, वो थोड़ा बहुत कभी कभी इफेक्ट करेगी, लेकिन ऑन दी होल इट्स अ वेरी कंफर्टेबल कार। हाईवे पर 100, 110, 120 की स्पीड जो लीगल है, लीगल स्पीड पर आप चलाएंगे गाड़ी तो रॉक सॉलिड लगती है। बिल्कुल ऐसा लगता नहीं कि छोटी गाड़ी है, ऐसा लगता है कि एक बड़ी गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, इतना बेहतरीन इसका राइड कम्फर्ट है। और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं ये बातें ज़बरदस्ती कह रहा हूँ या टाटा मोटर्स ने मुझे कोई गिफ्ट दिया है इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो देखिए आपको सबको पता है कि मुझे शौक अगर गिफ्ट का है तो वो है आलू के पराठे खाने का शौक, ऐसा कोई और शौक नहीं है मुझे। तो वैसे तो टाटा ने खाना अच्छा खिलाया था, लेकिन फिर भी ऐसे मजाक की बात है। बाकी आप टेस्ट ड्राइव करके देखिए गाड़ी खुद ही, और आप कहेंगे आप सही करते हैं, राइड कम्फर्ट के मामले में गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टेयरिंग व्हील भी एक ऐसी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो इसके अंदर वजन है, जो वेट है इसके अंदर, बिल्कुल एक्यूरेट है, ना बहुत ज़्यादा भारी है कि आप इसको चलाएंगे दिन भर तो आप थक जाएंगे। काफ़ी गाड़ियों में यू नो स्टेयरिंग व्हील भारी कर देते हैं, और भारी स्टेयरिंग व्हील से लोगों को लगता है कि फीलसम होगा, लेकिन फीलसम नहीं होता है। तो ऐसा कुछ भी इस गाड़ी के अंदर नहीं है, स्टेयरिंग बिल्कुल एक्यूरेट है वजन के हिसाब से, ना ज़्यादा भारी है कि आप थक जाएं, और ना ही ज़्यादा हल्का है कि आप हाईवे पर ले आएँ, खुले रास्ते पर ले आएँ। मैं चला रहा हूँ तो आप कहें कि अरे बाप रे, ये तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा यू नो हल्का लग रहा है, तो बहुत अच्छा है उस हिसाब से भी। परफॉर्मेंस जैसे मैंने आपको बताया अच्छी है, गेयरबॉक्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, शिफ्ट पैटर्न काफ़ी पॉजिटिव और हल्का है, और क्लच एक्शन भी काफ़ी लीनियर है, ऊपर नीचे आप क्लच यूज़ करते हैं, लीनियर एक्शन है, ऐसा नहीं है कि ऊपर की तरफ ज़्यादा झटका है, ज़्यादा प्रेशर नीचे की तरफ नहीं है, तो वो भी अच्छी चीज़ है। और गियर बॉक्स काफ़ी पॉजिटिव शिफ्टिंग गियर बॉक्स है, अच्छा लगेगा आपको इस गियर बॉक्स यूज़ करके। तो ऑन दी होल इट्स अ गुड पैकेज। विजिबिलिटी भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, साइड व्यू मिरर्स काफ़ी बड़े हैं, बीच का सीजा काफ़ी बड़ा है, पीछे आपको दूर तक दिखता है, तो उन सब चीज़ों में ये गाड़ी काफ़ी बेहतरीन है। हाँ, एक चीज़ है जहाँ पे थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट अभी भी कर सकते हैं, गुंजाइश है, वो ये है कि वैसे तो देखिए इसकी साउंड इंसुलेशन काफ़ी अच्छी है, बाहर अगर ट्रक वगैरह आपके पास से निकलेगा तो इतना ज़्यादा शोर शराबा अंदर नहीं आता है। म्यूजिक सिस्टम जब आप जाते हैं तो यू नो एक्यूस्टिक्स आर क्वाइट गुड, स्टेरियो का सेटअप अच्छा है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप इंजन को 3000 RPM के ऊपर लेके जाते हैं तो थोड़ा सा ये नॉइज करता है, हल्का सा आपको ऐसा लगेगा कि काश थोड़ा शांत होता 3000 या 3200 RPM के ऊपर, थोड़ा शोर करता है। 2500, 2800, 2900 RPM तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ 3000 के बाद आपको लगेगा कि काश थोड़ा सा रिफाइनमेंट इसकी इम्प्रूव कर देते तो और भी मज़ा आ जाता। लेकिन आमतौर पे
मिडिल क्लास के लोग आपके मेरी तरह एवरेज कार बायर्स गाड़ियों को इतना भगाते नहीं है, 3,000 3,500 4,000 रुपये पर रखे नहीं हैं, वो रखते हैं इसको 2,000 के आसपास और वो गियर चेंज कर देते हैं 2,200 2,300 2,500 के आसपास। तो उन लोगों को जो एवरेज कार बायर्स हैं आपके में इतना कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी इस गाड़ी के साथ, दिल बी क्वाइट हैप्पी विथ दी ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन। लेकिन जैसा मैंने कहा इम्प्रूव करे थे तो अच्छा रहता, बट नहीं भी किया है तो कोई ऐसी टील ब्रेकिंग वाली बात नहीं है। हमेशा किसी ना किसी गाड़ी में कोई ना कोई छोटी मोटी कमी निकलती है, कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती है, ये बात तो आप मेरे इतने सालों से रिव्यूज देख रहे हैं अब तक जानते ही होंगे। एनीवेज आई थिंक टाटा मोटर्स डन अ वेरी गुड जॉब विद द अल्ट्रोज आई सीएनजी। अगर आप मार्केट में हैं एक सीएनजी कार के लिए तो इस गाड़ी को चलाइए, छोटी गाड़ी भी किसी एंगल से नहीं लगती है, एक बड़ी गाड़ी की फील देती है आपको ये, और यही इस गाड़ी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो मैं जो हूँ टाटा एल्ट्रोस कैबिन के अंदर, और हमेशा एक अच्छी चीज जो टाटा की गाड़ी में लगती है वो ये है, क्या आवाज है, एक बार फिर सुनाते हैं आपको। बहुत ही स्टर्डी और बहुत ही मजबूती से गाड़ी बनाई हुई है, यू डेफिनेटली फील सेफ एंड सिक्योर व्हेन यू सिट इनसाइड दिस कार। एंड अगर आप अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिली के साथ कर रहे हैं, तो आपको सिक्योरिटी का एहसास रहेगा खासतौर पर इस आवाज़ के। ऑफ कोर्स सब जानते हैं इसी क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग के बारे में भी, वो बात मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब इस गाड़ी के अंदर नया क्या है, well, इस गाड़ी के अंदर वॉइस कमांड यूज कर सकते हैं। I can set the balance to left, right and center. Where do you want to set it? तो आप इसका सनरूफ वगैरह खोल सकते हैं कमांड थे के साथ ही साथ आप यहाँ पे ट्यून कर सकते हैं एफएम वगैरह को, वॉल्यूम ऊपर नीचे कर सकते हैं, बहुत सारी चीज आप कर सकते हैं कमांड वगैरह देके। अभी तो मैंने ऑफ कर दिया ताकि बार बार इंटरप्शन ना करे। साथ ही साथ आप इसके अंदर मिलता है एयर प्योरीफायर के साथ यहाँ पे AQI मीटर जो आपको बताता है गाड़ी हवा की क्वालिटी कैसी है, वायरलेस चार्जर मिलता है आपको, और साथ ही साथ एप्पल कारप्ले और एंड्रॉय ऑटो आजकल सब गाड़ियों में आता है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, और साथ ही यहाँ पे बटन दे रखे हैं CNG के लिए और CNG स्विच ओवर स्विच के लिए, और यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग का बटन भी आपको दे रखा है अलग से अब, और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का भी ऑप्शन आपको मिलता है, साथ ही साथ ऑटोमेटिक फाइबर्स भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ द फीचर्स आई थिंक दिस कार इज वेरी वेल सॉर्टेड, अच्छी गाड़ी है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी खासी है, और यहाँ पे जो एम्बिएंट लाइटिंग है यहाँ पे जो चल रही है ये रात के अंधेरे में देख के आपका दिल बाकी खुश होगा। अगर हम बात करें यूटिलिटी की तो वो भी अच्छी है, यहाँ पे दरवाजे के पॉकेट्स काफ़ी बड़ी हैं, ये जो बॉटल है काफ़ी बड़ी बॉटल है 1 लीटर की, इसको हम यहाँ पे आराम से रख सकते हैं, बॉटल आराम से एडजस्ट हो जाएगी। जो ग्लव बॉक्स है ये भी काफ़ी डीप एंड स्पेसियस ग्लव बॉक्स है, और साथ ही जो सीट कंफर्ट है, टाटा मोटर्स सबसे अच्छी सीट्स बनाते हैं इस सेगमेंट के अंदर, और ये जो सीट्स हैं ना सिर्फ इनके अंदर कुशनिंग अच्छी है बल्कि सपोर्ट अच्छा है लोअर बैक के लिए, और साथ ही साथ ओवरऑल इस गाड़ी में जब बैठेंगे तो आपको थकान का एहसास नहीं होगा लंबे सफ़र पर। हाँ एक चीज़ लेकिन है जो मैं कहूँगा टाटा मोटर्स को इम्प्रूव करनी चाहिए, वो है जो इसका ये इंफोटेनमेंट यूनिट है, इसका जो लुक एंड फील है काफ़ी पुराना हो चुका है, छोटा है ये जो नई नेक्सॉन में आता है, बड़ा सिस्टम वो इनको इस गाड़ी में लगाना चाहिए। और साथ ही साथ अगर हम आपको रिवर्स पार्किंग की व्यू उसको दिखाते हैं तो ये भी बहुत ही लो क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो ये कैमरा पीछे वाला और साथ ही साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम इनको चेंज करना चाहिए, ये दो चीज़ें लगी मुझे जो कि इस गाड़ी को थोड़ा सा माइनस पॉइंट कह सकते हैं आप। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो स्पीकर का सेटअप है, जो हरमन का स्पीकर सेटअप है, साउंड क्वालिटी उसकी बहुत ही आलीशान है, आपको करौल बाग नहीं जाना पड़ेगा अपने स्टेरियो को अपग्रेड करने के लिए, ये बातों में से लिखवा लीजिए। और क्योंकि गाड़ी की डैम्पिंग वगैरह इतनी अच्छी है तो उससे भी साउंड क्वालिटी लेवल अप अच्छे से इम्प्रूव हो जाती है। एनीवेज आई थिंक फ्रंट सीट को मैं दूंगा ओवरऑल एक अच्छा स्कोर 8/10 में से। अब बैक सीट में चलते हैं और देखते हैं बैक सीट में है कितना था। वेल तो मैं आ चुका हूँ बैक सीट में अब टाटा एल्ट्रोस की, और यहाँ पर मैं पहले भी आपको बैठ कर दिखा चुका हूँ, स्पेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, सीट कंफर्ट के मामले में भी सीट्स आर वेरी गुड, बोट अंडर थाई सपोर्ट इज़ वेरी गुड एंड सपोर्ट फॉर लो बैक इज़ गुड, और जो आपका नी और हिप का एंगल है ये भी एक अच्छा 90 डिग्री पे, तो आप बहुत कंफर्टेबली बैठते हैं, शीशे भी काफ़ी बड़े हैं तो एक क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगता। ऑफ कोर्स यहाँ पे सनरूफ है तो उससे भी रोशनी वगैरह थोड़ी आती है रात में या दिन के टाइम, तो उससे भी कभी क्लॉस्ट्रोफोबिक की आपको फील नहीं आएगी। बहुत ही अच्छा कैबिन है, क्लासिक कैबिन है और सोफिस्टिकेशन है इस कैबिन के अंदर। आर्मरेस्ट है यहाँ पे, आराम से आर्मरेस्ट को
निकाल के बैठ सकते हैं। एसी वेंट्स हैं और एक यूएसबी चार्जर है, और जो फ्लो बोर्ड है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो जो बीच में बैठेगा उसके पास भी काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पे अपने पैर वगैरह फैलाने के लिए। यहाँ पे पॉकेट्स दे रखी हैं और यहाँ पे पॉकेट दे रखी है, और दरवाजे भी काफ़ी डीप एंड स्पेशियस हैं। तो ओवरऑल इन टोटैलिटी मैं कोई कमी नहीं निकाल सकता हूँ बैक सीट में। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट बैक सीट्स एट दिस प्राइस पॉइंट एंड डेफिनेटली इन द हैचबैक सेगमेंट इट्स अ वेरी गुड कार एंड वेरी कंफर्टेबल कार टू बी सिटिंग इन। वेल, एक सी एन जी गाड़ी लेते वक्त आपके दिमाग में सबसे बड़ी टेंशन क्या रहती है? वो टेंशन ये होती है कि आपको सी एन जी की गाड़ी के साथ एक रूफ पे कैरियर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिक्की में स्पेस नहीं होगा। लेकिन ऐसी कोई भी दिक्कत आपको टाटा एल्ट्रोस आई सी एन जी के साथ नहीं आएगी। सो दैट्स द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस कार। और ये गाड़ी चलाने में भी काफ़ी अच्छी है। जब आप इसको सी एन जी पर चलाते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि परफॉर्मेंस ड्रॉप हुई है या फिर गाड़ी पेट्रोल से शिफ्ट हुई है सी एन जी पर। इट्स कम्प्लीटली सीमलेस and also it's completely effortless when you shift it from petrol to CNG or vice versa. पता नहीं चलता है, ऐसा कोई major drop in performance भी नहीं लगता है। ride comfort तो गाड़ी का आलीशान है ही, और safety और security में भी गाड़ी काफ़ी अच्छी है, और साथ ही साथ ऑफकोर्स फीचर्स से भी ये गाड़ी खचाखच भरी हुई है। तो इन शॉर्ट जो बात कहने की है वो ये है कि अगर आप मार्केट में हैं एक CNG गाड़ी के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉस्टिंग पेट्रोल को लेके रोज़ की रनिंग कॉस्ट आपकी कंट्रोल में आ जाए, तो आप सी एन जी वाला वर्जन ले सकते हैं। इस गाड़ी का बहुत ही अच्छा पैकेज है, स्ट्रॉन्ग पैकेज है, और इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी अपने आप को जस्टिफाई भी करता है, क्योंकि जो बेस प्राइस है 7.5 लाख रुपए का, वहाँ से अगर आप ले और 10.5 लाख तक का वर्जन लिए वाला, तो आई थिंक फॉर द फीचर्स, फॉर द सेफ्टी, फॉर द राइड कम्फर्ट एंड इन जनरल फॉर द फिट एंड फिनिश, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन एंड यू शुड डेफिनेटली कीप दिस कार इन योर शॉर्ट लिस्ट इफ यू प्लान टू बाय सी एन जी का। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा not on your shortlist, on the top of your shortlist if you're planning to buy any kind of CNG car. Bye for now and thanks so much for watching this video.